परवल आलू की मसालेदार सब्जी कैसे बनाते हैं। 250 ग्राम परवल लिया है। परवल को अच्छे से धुल के इसको इस तरीके से लंबे लंबे पीसों में काट लिया है। सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें कटे हुए परवल डालेंगे। परवल को हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। परवल को कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो गया है परवल को फ्राई करते हुए, ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। दोबारा से कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, आलू को भी लंबा लंबा काट लिया है। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें आलू डालेंगे। आलू को भी हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। आलू को भी इस तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है आलू को फ्राई करते हुए, आलू भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। मसाले भूनने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच तेल और डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से भूनने देंगे। जीरा अच्छे से भुन गया है, अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच प्याज लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट हो गया है प्याज लहसुन के पेस्ट को भूनते हुए, अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसालों का एक पेस्ट बन जाए। मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक इनसे तेल छूटना शुरू ना हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही मसालों को भूनेंगे। मसालों से तेल छूटना शुरू हो गया है, अच्छी खुशबू आने लगी है, यानी कि मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे फ्राई की हुई सब्जियाँ। सब्जियों को मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए। सब्जी और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। सब्जी को मसाले के साथ में 1 मिनट तक भूनेंगे। जितना सब्जी मसाले के साथ में भुनेगी उतना अच्छा फ्लेवर सब्जी में आएगा। 1 मिनट हो गया है सब्जी को मसाले के साथ में भूनते हुए, अब इसमें ऐड करेंगे पानी। सब्जी में पानी इतना डालेंगे कि पानी सब्जी के ऊपर तक आ जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी में ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे ही सब्जी को ढक के पकने देंगे जब तक कि सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। 10 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए। एक बार आलू को कट करके देख लेते हैं कि आलू अच्छे से पका है कि नहीं। देखिए आलू आराम से मैश हो रहा है, यानी कि सब्जी अच्छे से पक गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सब्जी को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। परवल आलू की मसालेदार सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।